दिल्ली NCR समेत हर साल सर्दियों के आसपास खेतों में पराली जलाने और पटाखों के चलते प्रदूषण बढ़ जाता है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच जाती है। इससे न सिर्फ लंग्स के मरीज बल्कि सामान्य लोग भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बार भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक पहुंच गया है। इस बार भी पॉल्यूशन बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समय लोग सांस से जुड़ी परेशानी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी के लक्षणों के साथ अस्पतालों में आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली की मौजूदा हवा को लोगों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी समस्याएं और अन्य घातक बीमारियां हैं। इसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट शामिल हैं। यह हवा बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए भी बेहद खतरनाक बताई जा रही है। डॉक्टर मान रहे हैं कि वायु प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में इस साल काफी ज्यादा है, जिसके चलते सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या 10-15% तक बढ़ गई है। कई मरीज बेहद ज्यादा परेशानी के साथ आ रहे हैं, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी पड़ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं कि इस समय ज्यादातर लोग खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, आंखों में थकान और जलन, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, चेस्ट कंजेशन, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के साथ अस्पताल आ रहे हैं। जहरीली हवा के कारण आम लोगों के सावधानी बरतने के बावजूद तेजी से संक्रमण हो रहा है। हर साल जहां नवंबर में यह मंजर देखने को मिलता है, इस साल अक्टूबर में ही इस महीने में ही सांस की बीमारियों के मरीजों का आंकड़ा काफी बढ़ गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मालेरा का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली की मौजूदा सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में विफल रही है, इसलिए इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। वहीं कई सालों से दिल्ली में पटाखों पर भी बैन किया हुआ है। हवा की क्वालिटी खराब होने से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। अगर हालात इसी तरह रहे तो दिवाली के बाद स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में लोगों को अपना खास ख्याल रखने की बेहद ज्यादा जरूरत है। इसके लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, बाहर ज्यादा निकलने से बचें, जरूरत पड़े तो बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। कोशिश करें कि इस समय बच्चों और नवजात शिशुओं को घर में ही रखें। घर में एयर प्यूरिफायर की मदद भी ली जा सकती है। अगर किसी प्रकार की तकलीफ ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखाने में देरी ना करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जीवन9 भारतवर्ष।